बात करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर नरसिंह घोटाले के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। पूर्व मंत्री के बंगले की घेराव की कोशिश हुई है, पुलिस ने बंगले के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। यहां पर बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहां पर किया गया है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक बड़ा नरसिंह घोटाला निकलकर सामने आया है, जिसकी जांच की मांग यहां पर की जा रही है। और जिस तरीके से उस मामले को सवाल उठे थे, काफी ज्यादा चर्चा में वो मामला रहा और इसको कांग्रेस की तरफ से अब उठाया गया है। नरसिंह घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन फिलहाल जारी है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग भी तोड़ने की कोशिश की। तो यहां तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसके बाद पुलिस ने यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। राजधानी भोपाल में नरसिंह कॉलेज गड़बड़ी के मामले में अनिश भाई का प्रोफेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वाटर कैनिंग भी हुई है और यहाँ पे हंगामा भी देखने को मिल रहा है। बल प्रयोग किया जा रहा है, अनिश भाई के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है। लगातार यहाँ पे जो अनिश भाई के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर विश्वास सारंग के बंगले का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग करके इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। वाटर कैनिंग यहाँ पे की गई है और वाटर कैनिंग के माध्यम से इन लोगों को खदेड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब नर्सिंग कॉलेज को अनुमति दी गई थी उस वक्त विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे और उसकी वजह से जो तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आदि के बाद वो जो है जो यहाँ पे इसको कि जिस तरीके से वाटर कैनिंग यहाँ पे की गई है सभी को खदेड़ने की कोशिश की गई है। हम बात करती देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो कैनिंग है वो की जा रही है, खदेड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास सारंग के बंगले को घेराव करने के लिए यहाँ पे जो पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर यहाँ पे सभी को रोका है और उसके बाद यहाँ पे जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे एनएसआई के कार्यकर्ता थे उन्हें खदेड़ दिया गया है। मितेंद्र सिंह जो है उनके नेतृत्व में इस पूरे प्रदर्शन को किया जा रहा है, पुलिस बल है और यहाँ पर उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम बात करेंगे मितेंद्र सिंह से, भैया जिंदाबाद। देख सकते हैं मितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया, रोका जा रहा है। क्या यहाँ पे मांग है? कार्रवाई, जो जो इसमें लिप्त है उनको लेके कार्रवाई, उनको लेके कार्रवाई। और अगर आज इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हम बड़े प्रदर्शन करने वाले हैं। और ये क्या चल रहा है, अत्याचार, अभी भी इनकी आंखें नहीं खुल रही। अब अगर युवाओं के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे, बहनों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो किसके लिए आवाज उठाएंगे? और आज समय आवाज उठाने का और लड़ने का, और हम वही करने आए, लड़ेंगे। अब आप देखिए कैसे रोका जा रहा है। अब हम इसमें लड़ सकते हैं, अगर हमारा प्रशासन साथ नहीं देगा तो ये तो जाहिर सी बात है, ये ऊपर से कहा गया है अत्याचार करने के लिए युवाओं के साथ। और अगर आज उन्होंने आदेश दिए हैं जांच करने के लिए और पूरे कॉलेज की दोबारा जांच की जाएगी, मैंने वही कहा है, फिर कहूंगा, जो जो फर्जी कॉलेज हैं उनको बंद किया जाए और जो जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनपे कार्रवाई की जाए। और व्यापम ये सीबीआई ने जो लोग जांच कर रहे थे वही लोग हैं इसमें भी, वापस से वही लिप्त है। यहाँ पे साफ तौर पर मितेंद्र सिंह का कहना है कि जो आरोपी है उनका उनके खिलाफ कार्रवाई हो और यहाँ पे अब गिरफ्तार जो है उनको किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पे पूरा पुलिस बल तैनात था और बल प्रयोग करते हुए एनएसवाई के तमाम जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ से अब खदेड़ा जा रहा है। मितेंद्र सिंह के नेतृत्व में उस पूरे प्रदर्शन को किया गया था और देख सकते हैं यहाँ पे कि उनको अब यहाँ पे हिरासत में ले लिया गया है। उनके साथ तमाम जो एनएसवाई कार्यकर्ता है उन्हें भी यहाँ पे हिरासत में लिया जा रहा है। देख सकते हैं वाटर कैनिंग यहाँ पे लगातार की जा रही है और एनएसवाई के जो कार्यकर्ता है उनको लगातार खदेड़ा जा रहा है। एनएसवाई की यहाँ पे साफ तौर पर मांग है कि जो गड़बड़ी इस पूरे मामले में हुई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, पूरे कॉलेज की जांच हो। हालांकि जांच के आदेश जो है हाईकोर्ट ने दे दिए हैं और जो आरोपी हैं जो भी इस मामले में लिप्त रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जो मांग है वो लोग कर रहे हैं। और अब ऐसे में यहाँ पर इसी के चलते विश्वास सारंग के बंगले का प्रदर्शन करने के लिए, घेराव करने के लिए यहाँ पर तमाम जो एनएसआई कार्यकर्ता है वो पहुंचे। और हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। नीलम, अभी क्या तस्वीरें हैं वहां की?
जी बिल्कुल, देखिए जो पूरा मामला है नर्सिंग घोटाले को लेकर के हुआ है, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने मिलकर के यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया है, आरोप लगाया है तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर कि वो भी जो है इस घोटाले में शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि एक बड़ा नर्सिंग घोटाला मध्य प्रदेश में सामने आया था और लगातार इस पर सीबीआई जांच चल रही है। फिलहाल की हम बात करें तो पुलिस ने पूरी भीड़ को जो है तितर बितर कर दिया था। बंगले की तरफ जो कांग्रेसी बढ़ रहे थे उन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया था। कुछ जो पदाधिकारी हैं उन्हें जो है पुलिस लेकर भी गई है थाने में और पूरे मामले को फिलहाल जो है शांत करवा दिया गया है। पर जो कुछ देर पहले के अगर हम तस्वीरों की बात करें तो काफी ज्यादा यहां पर उग्र प्रदर्शन युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का देखने को मिला। काफी बड़ी संख्या में सभी इकट्ठा होकर पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले की तरफ बढ़े थे, जहां पर बैरिकेडिंग लगाकर जो है पुलिस ने पूरी भीड़ को रोका और तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी जमकर इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा जो गिरफ्तारी हुई है उस मामले को अगर हम देखें नीलम, तो क्या इन लोगों को छोड़ा जा सकता है, क्या केवल हिरासत में लिया गया था? बिल्कुल देखिए, फिलहाल इन सभी को हिरासत में ही लिया गया था और इन्हें जो है जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके तहत कार्रवाई करने के बाद छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ भीड़ को तितर बितर करने का जो है यहाँ पर पुलिस का मकसद था, ताकि जो है किसी तरह की अशांति शहर में देखने को ना मिले और कोई एक बड़ा यहाँ पर जो है प्रदर्शन ना हो, इसीलिए जो है पूरी भीड़ को तुरंत ही तितर बितर किया गया था, वाटर कैनन चलाए गए थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेन सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और एनएसयूआई के तमाम जो पदाधिकारी होते हैं कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, जिन्हें पुलिस ने काबू करने की पूरी कोशिश भी की थी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए बड़ी यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेस्ट किया गया कांग्रेस की तरफ से, हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, इस प्रदर्शन को शांत कराया गया। विश्वास सारंग पर सीधे तौर पर आरोप लगाते ये लोग नजर आए, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, क्योंकि पिछली बार जो मंत्रालय था वो उन्हीं के पास था और इन लोगों का ये कहना है कि उनकी भी मिलीभगत हो सकती है। हालांकि अभी ये पूरा जांच का विषय है और जांच के बाद स्थिति इस पर स्पष्ट हो पाएगी।